हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को घर पे होटल जैसा बटर चिकन बनाना बताऊंगी और साथ ही हम घर पर ही एकदम सॉफ्ट बटर नान बनाना भी सीखेंगे। तो आइए रेसिपी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। साथ ही हम इसमें एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे कि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने हाथों की सहायता से अच्छे से मैरिनेशन को चिकन पर लगा दिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो दोस्तों, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है और हम बटर चिकन बना रहे हैं, उसलिए यहाँ पर मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने दो बड़ा चम्मच बटर डाला है। तो सबसे पहले मैंने बटर को यहाँ पर मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लंबे लंबे काट कर डाले हैं। हमें इसमें ज़्यादा प्याज नहीं डालना है, क्योंकि बटर चिकन में टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है प्याज के मुकाबले में। तो यहाँ पर हमें प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना है। मुश्किल से मुश्किल इसे 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो कैरमलाइज हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 से 8 टमाटर डाले हैं। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को रफली चॉप करके डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी एक प्यूरी सी बनानी है। ये कुक होने के बाद सारी चीज़ें ग्राइंड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से 8 से 10 काजू डाले हैं, जिससे कि ग्रेवी में थिकनेस आ जाएगी। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बटर चिकन घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ही जल्द बन के रेडी हो जाती है। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है। साथ ही हम इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि बटर चिकन का कलर ऑरेंज कलर का होता है, तो यहाँ पर हमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। साथ ही यहाँ पर हम 4 बड़ी चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा और हमारा बटर चिकन जो होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर 1 ढक्कन विनेगर का डालेंगे, जिससे कि इसमें खटास भी बनी रहेगी। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए, जिससे कि टमाटर का कलर और भी अच्छा हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो टमाटर को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, इसके लिए हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, हम इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो जब तक हमारी ग्रेवी ठंडी हो रही है, तब तक हम मैरिनेटेड चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैरिनेटेड चिकन को डाल के इसे दोनों साइड से कुक करेंगे। तो जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरीके से दोनों साइड से हमने कुक कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से ही हमारा जो सेकंड बैच है उसे भी हम कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमारा जो टमाटर है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और अब हम इसे अच्छी तरीके से बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसे छन्नी की सहायता से अच्छी तरीके से छान लेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ग्रेवी को छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है,
इससे बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर आता है और साथ ही ग्रेवी में जो लम्स होते हैं वो निकल जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो टमाटर के छिलके थे वो भी निकल आएंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से छान के जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम हटा देंगे। अब हम कढ़ाई पर हमारी जो ग्रेवी है उसे डाल लेंगे। तो दोस्तों हमारी ग्रेवी जो है वो बनकर ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन बटर चिकन के लिए बटर डालना तो ज़रूरी है ग्रेवी में, जिससे कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच बटर लिया है, हम इस ग्रेवी में उसे डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, साथ ही यहाँ पर हम इसमें 3 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम जो होती है घर की मलाई वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप घर की मलाई का इस्तेमाल करिएगा जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर रेडी है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से ढककर कुक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए चिकन को, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि इसका कलर कितना ही अच्छा आया है। तो हमारा जो बटर चिकन है वो बनकर रेडी है। अब हम इसे मलाई के साथ सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों बटर चिकन के साथ नान खाने का अपना ही एक अलग मजा है, तो आइए नान की रेसिपी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 4 से 5 ग्रेटेड लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन डालने से नान का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, साथ ही हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दही डालेंगे और साथ ही इसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो दोस्तों अब हम इन सारी सामग्रियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसका डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, गर्म पानी से हम आटा गूंथ लेंगे। तो दोस्तों घर पर हम जिस तरीके से आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें आटा लगाना है। घर पर नान बनाना बहुत ही इजी रेसिपी होती है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होती है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने एकदम सॉफ्ट आटा लगा लिया है, आप देख ही सकते हैं। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लेकर लोई बना ली है। अब हम इसमें सूखा मैदा लगाएंगे और इसे बेलेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छी तरीके से बेल लेना है, मैंने इसे ज़्यादा पतला नहीं बेला है। तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसे बेला है। मैं इसे अंडा आकार का शेप दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे नान का शेप दे दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, साथ ही हम इसमें थोड़ी सी सफ़ेद तिल डालेंगे और अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाला है। आप चाहो तो कसूरी मेथी या धनिया में से एक चीज़ डाल सकते हो। अब हम इसे थोड़ा सा बेल लेंगे जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आटे में चिपक जाएंगी। अब हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पर दूसरे साइड पे पानी लगा लेंगे जिससे कि तवे में अच्छी तरीके से ये नान चिपक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एकदम गरम तवा लिया है, उसमें हम नान डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नान जो है वो फूल चुका है, आप देख ही सकते हैं। अब हम तवे को पलट कर इसे सेकेंगे। तो हमें तवे को चारों तरफ से घुमाते हुए इसे अच्छी तरीके से सेक लेना है। अगर आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है तो आप चिमटे की सहायता से भी इसे सेक सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा बटर चिकन और बटर नान बनकर रेडी है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।